Hello, good morning. This is Dr. R.S. Maurya on how to translate. This is episode number 3. Guys, in this episode, we intend to discuss as how to translate interrogative sentences from Hindi to English. To ask a question in a simple and effective manner is a great need of our. Broadly speaking, the question format is of two types. One that starts with auxiliary verb and another that starts with the reverse. We offer you a variety of questions in both the formats. Let's enjoy them here. Let's just enjoy. We see here we are going to start प्रश्न वाचक वाक्य को कैसे अनुवाद करते हैं, किस तरह से अनुवाद करते हैं। तो इसमें हमने बताया कि इसके फॉर्मेट होते हैं, दो फॉर्मेट जो है होते हैं। एक तो हम ऑब्जेक्टिव वर्ब से बनाते हैं, जैसे इज, आई, आर, वाज, वेयर, डस, कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे बनाते हैं। और दूसरा जो है वी वर्ड से बनाते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ऐसे करके बनाते हैं। तो दोनों का अलग अलग फॉर्मेट होता है बनाने का, और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए ऐसे ही बनता है। तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। जैसे क्या वह कलम है, तो इज दैट ए पेन। क्या वह गलत है, क्या यह गलत है, इज दिस इनकरेक्ट, ऐसे करते हैं। तो क्या वो कक्षा की मॉनिटर है, तो इस मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो यू कैन ऑल्सो, क्या वो तुम्हारी बहन है, इस योर सिस्टर। और ऐसे कर सकते हैं कि क्या स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है, इज अटेंडेंस एट स्कूल ऑब्लिगेटरी और कंपल्सरी। तो क्या कोई जल्दबाजी की आवश्यकता है, इज देयर एनी नीड फॉर हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी। क्या वह बिल्कुल आने को तैयार है, इज ही क्वाइट विलिंग टू कम, इज ही क्वाइट विलिंग टू कम। तो ऐसे हम इसमें जो है ट्रांसलेशन करते हैं। इसी तरह से आर से भी जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं, बहुत सेंटेंसेस, जैसे कि क्या ये सारे अंडे सड़े हैं, तो आर दीज एग्स रॉटन, आर दीज एग्स रॉटन। क्या वे सब अजनबी हैं, आर दे ऑल स्ट्रेंजर्स, आर दे ऑल स्ट्रेंजर्स, क्या सब अजनबी हैं। क्या वे बच्चे नटखट हैं, Are those children naughty? Are those children naughty? क्या यहाँ के सभी शिक्षक जिम्मेवार हैं, Are the teachers here responsible? Are the teachers here? Yeah. Are all the teachers here responsible? ऐसे करके कह सकते हैं। क्या आपके अभिभावक पढ़े लिखे हैं, आर योर गार्जियंस या पेरेंट्स एजुकेटेड। क्या आपके गांव के लोग साक्षर हैं, साक्षर, साक्षर का मतलब होता है लिटरेट, आर योर विलेजर्स लिटरेट, साक्षर, आर योर विलेजर्स लिटरेट। क्या आपके गांव के लोग अनपढ़ हैं, तो आर योर विलेजर्स इलिटरेट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। आप वाज का ही प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वाज ही स्पाई, क्या वह जासूस था, वाज ही ए किलर, वाज ही ए किलर, क्या वह हत्यारा था। वेयर दे इनोसेंट, क्या वे इनोसेंट थे, इनोसेंट का मतलब क्या होता है, इनोसेंट, इनोसेंट मीन्स वन हु इज वेरी वेरी सिंपल, हु
who does not know anything, as innocent. So were they innocent? तो इस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं इज एम आर वॉज वेयर वेयर के और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वेयर द स्टूडेंट्स नॉटी या वेयर द स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन वॉज द प्रिंसिपल स्कॉलर वॉज द प्रिंसिपल ए पॉलिटिशियन ऐसे करके कर सकते हैं वेयर और वॉज जो है सिंगुलर प्लूरल है इसके इससे हम देख करके कर सकते हैं अब नाउ वी कम टू डू डज डिड तो डू डज डिड में ये होता है कि जैसे डू आई लव यू क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ डू आई नॉट लव यू क्या मैं तुमसे नहीं प्यार करता हूँ तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस हैं मीनिंगफुल एंड देयर आर वेरी स्टेंस सेंटेंसेस ऑल्सो यू शुड प्रैक्टिस जैसे कि क्या वह तुम्हारी हर वक्त आलोचना करता है क्या वह तुम्हारी हर वक्त आलोचना करता है डज ही ऑलवेज क्रिटिसाइज यू डज ही ऑलवेज क्रिटिसाइज यू और क्या तुम बड़े लोगों के जीवनी से सीखते हो कुछ सीखते हो डू यू लर्न समथिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन डू यू लर्न समथिंग फ्रॉम द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ग्रेट पीपुल ऐसे करके क्या आपकी माँ अंग्रेजी बोलती है डज योर मदर स्पीक इंग्लिश डज योर मदर स्पीक इंग्लिश ऐसे क्या सभी आदमी एक जैसे होते हैं डू ऑल मेन अलाइक टू ऑल मेन अलाइक तो ये क्वेश्चन जो है एक तो ऐसे सिंपल होता है पहले ख्याल से अनुवाद करने के ख्याल से बोलने के ख्याल से इसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए इसमें स्ट्रेस होना चाहिए और क्वेश्चन टोन होना चाहिए तो जैसे देखिए डू ऑल मेन अलाइक लाइक दिस डू ऑल मेन अलाइक फिर क्या आपको संदेह है कि मैं यह काम नहीं कर सकता डू यू डाउट दैट आई कांट डू इट डू यू डाउट दैट आई कांट डू इट या आई कांट डू इट तो क्या आपको संदेह है डू यू डाउट डू यू नो हाउ टू डू इट क्या आप जानते हैं इसे कैसे किया जाता है डू यू नो Do you know मतलब क्या आप जानते हैं Do you know how to do it इसको कैसे किया जाए क्या आप जानते हैं क्या आप सुबह उठने में विश्वास करते हैं Do you believe in getting early क्या आप सुबह उठने में विश्वास करते हैं Do you believe in getting early और क्या मैंने कुछ अभद्र कहा डिड आई से समथिंग वल्गर वल्गर मतलब अभद्र होता तो डिड आई रिफ्यूज यू क्या हमने आपको इनकार कर दिया डिड आई रिफ्यूज यू डी से बनाइए डिड आई रिफ्यूज पास में क्या उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली हैज ही एक्सेप्टेड माई रिक्वेस्ट हैज ही रिक्वेस्टेड माई रिक्वेस्ट Has he accepted for it? Has he accepted my request? तो क्या उसने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और क्या मैंने कोई गलती की है ऐसे होता है क्या मैंने गलती की है या कोई गलती की है तो have I made mistake? Have I made any mistake? ऐसी करके have I made mistake? या have I made any mistake? तो this is it. और फिर विल से भी बनता है जैसे विल शायद से वुड से इसे ही बनता है तो जैसे क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे विल यू लेंड मी योर पेन विल यू लेंड मी योर पेन प्लीज
कृपया आप मुझे अपनी कलम दें। क्या आप मुझे एक कहानी सुनाएंगे? वुड यू टेल मी ए स्टोरी? वुड यू टेल मी ए स्टोरी? क्या आप क्या आप चीनी वहाँ खिसका दें? खिसकाना का मतलब होता है जैसे पास पास बैठे हुए हैं तो वहाँ पर देने का नहीं होता है, आपको है एक ही टेबल पर बैठा तो वहाँ देना नहीं होता। यू जस्ट पास द शुगर प्लीज, थोड़ा शुगर को जो है यहाँ से वहाँ उसको बोलते हैं पास, तो पास द साल्ट प्लीज, पास द शुगर प्लीज, ऐसे करते। तो क्या आप चीनी नहीं खिसका देंगे? विल यू पास द शुगर प्लीज, ऐसे करते। विल यू पास द शुगर प्लीज? क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? वुड यू लाइक टू कम विथ मी? क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे? क्या आप थोड़ा पहले आने का कष्ट करेंगे? तो कष्ट रिक्वेस्ट से रिलेटेड जो इस सेंटेंसेस होता है, हम आपको आगे चल करके बहुत तरह के सेंटेंसेस रिक्वेस्ट से कैसे पढ़ते हैं। वुड यू माइंड जब लगाते हैं इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वुड यू माइंड कमिंग अर्ली है? क्या आप कुछ पहले आने की कोशिश करेंगे? वुड यू माइंड कमिंग अर्ली है? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेक डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क। सो इफ इट इज गुड दैट यू कैन फ्रेम मेनी क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विद डिफरेंट मीनिंग्स। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं वी वर्ड से कैसे बनाते हैं। वी वर्ड ये होता है जैसे जो डब्ल्यू एस से शुरू होता है, तो डब्ल्यू एस से शुरू होने वाला व्हाट है, व्हेन है, व्हाई है, वेयर है और विच है, ये सब जो है वी वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कहें कि वो आदमी कौन है, हु इज दैट मैन, वो आदमी कौन है, हु इज दैट मैन, वे आदमी कौन है, हु सिंगुलर हुआ, वह आदमी कौन है, एक आदमी, हु इज दैट मैन, वे आदमी कौन है, तो उसको बनाइएगा हु आर दोज मैन, हु आर दोज मैन, तो आर लगा, दोज लगा और मैन लगा, तो स्ट्रक्चर हुआ हु आर दोज मैन, वे लोग कौन है या वे आदमी कौन है। वह घर किसका है, हुज इज दैट हाउस, हुज दैट हाउस, हुज दैट हाउस, किसका घर है। क्या आप जानते हैं वह किसका घर है, डू यू नो हुज हाउस इज दिस, डू यू नो हुज हाउस इज दिस, डू यू नो हुज हाउस इज दिस। आप किससे मिलना चाहते हैं, हुम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हो, हुम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हो, हुम डू यू वांट टू सी, हु डू यू वांट टू सी या हुम, दोनों सही है। मुझे फिर से क्यों, मुझे फिर से क्यों पक्षपात, मुझसे फिर से क्यों पक्षपात किया गया, वाई एम आई डिस्क्रिमिनेटेड वंस अगेन, वाई एम आई डिस्क्रिमिनेटेड वंस अगेन, मुझसे पक्षपात फिर से क्यों किया गया, वाई एम आई डिस्क्रिमिनेटेड वंस अगेन। इन विषय पर आप कौन सी किताब पढ़ी है, इस विषय पर आपने कौन सी किताब पढ़ी है, व्हाट बुक्स हैव यू रेड ऑन दिस सब्जेक्ट, व्हाट बुक्स हैव यू रेड ऑन दिस सब्जेक्ट,
कौन किताब पढ़ी, इनमें से कौन किताब आपको सबसे रुचिकर लगी, विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू फाउंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो इस तरह से बनाते हैं, जैसे गोभी कैसे है, मतलब गोभी क्या भाव है बाजार में आपको, उसके गोभी क्या भाव है, तो हाउ आर कैबेजेस टुडे, हाउ आर कैबेजेस टुडे, तो ये दिस इज हाउ आर कैबेजेस टुडे, आज गोभी कैसे है, यानी गोभी कैसे किलो है, ऐसे पूछने के लिए हाउ आर कैबेजेस टुडे। किस विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, किस विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं, विच यूनिवर्सिटी डिड यू गो टू, विच यूनिवर्सिटी डिड यू गो टू, विच यूनिवर्सिटी डिड यू गो टू, किस विश्वविद्यालय में आप पढ़े हैं। चाइना की राजधानी क्या है, विच इज द कैपिटल ऑफ चाइना, विच इज द कैपिटल ऑफ चाइना। आपकी उम्र क्या है, व्हाट एज, या उसकी उम्र क्या है, व्हाट एज सी, व्हाट एज इज सी, या व्हाट एज इज ही, उसकी उम्र क्या है। कौन सा शहर बड़ा है, बंबई या अहमदाबाद, विच सिटी इज लार्जेस्ट, विच सिटी इज लार्जेस्ट, मुंबई और अहमदाबाद, विच सिटी इज लार्जर, मुंबई और अहमदाबाद। यह किस चीज का बना है, यह किस चीज का बना है, तो इसका होगा व्हाट इज इट, व्हाट इज इट मेड ऑफ, व्हाट इज इट मेड ऑफ, वह किस चीज से बना है। अगेन कौन, आप कौन सी भाषाएं जानते हैं, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू नो, एंड व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, एंड विच ऑफ द लैंग्वेजेस, इनमें से कौन सी भाषा आप धारा प्रवाह बोलते हैं, इनमें से कौन सी भाषा आप धारा प्रवाह बोलते हैं, विच ऑफ दीज लैंग्वेजेस यू स्पीक fluently, which of these languages you speak fluently। तो दोस्तों हमने आपको काफ़ी उदाहरण दिया, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह के सेंटेंसेस का, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, इसके जो फॉर्मेट है ये तो हमने बता दिया, भाई मिला ये फॉर्मेट होता है, बट वेन आई कम टू ग्रामर पोर्शन आई विल डिटेल वेयर टू कीप दिस पार्ट, तो एवरीथिंग, एंड देन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट टू इनरिच योर वोकैबुलरी, तो मेरा एक पॉडकास्टिंग चैनल भी है, आप स्पॉटिफाई पर जाइए और स्पॉटिफाई में वहाँ पर आपको ग्रामर स्पेशली आपको जो वोकैबुलरी से संबंधित आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ दूर हो जाएगा। और जो लोग जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें मेरा 50 लेक्चर भी है, 50 लेक्चर्स ऑन मेकिंग ऑफ एन आईएएस करके है, लेक्चर सीरीज है, उसमें 50 लेक्चर्स है, आप उसको सुन सकते हैं। तो विल मीट यू टुमारो, टिल देन बाय।